बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अली बुरहान मुस्तफ़ा है और आज का जो वीलॉग है ये कंटिन्यूटी है पिछले वीलॉग की, जो कि बेनिफिट्स ऑफ थिंकिंग यानी कि सोचने की इफादियत पर था। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का पिछले वीलॉग को सराहने के लिए, और इसमें आपने बहुत अच्छे कमेंट्स भेजे मुझे, बहुत अच्छी सजेशंस भेजें, फीडबैक्स आए मुझे, मैसेजेस आए। तो आज हम उसी के बारे में ही कुछ बात करना चाहेंगे। पिछले व्लॉग में हमने कोशिश की ये बात करने की कि सोच क्या है और सोच का बुनियादी मकसद या फ़ायदा क्या है, और ये भी हमने की कि सोचने के लिए सवाल करना ज़रूरी है। तो मेनली हमारी जो टॉक थी ये दो ही चीज़ों पर थी, सोचने पे और बात करने के ऊपर। सोच क्यों अहम है? क्योंकि ये हमने पिछले व्लॉग में भी डिस्कस किया कि ये वजह तख्लीक कायनात है, ये वजह तख्लीक इंसानियत है। इंसान की तख्लीक का जो बुनियादी मकसद अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक था, एक ऐसी तख्लीक, एक ऐसी मखलूक को पैदा करना जो कि सोच सके। तभी कहा गया फरिश्तों से कि इनको जाके सजदा करो इंसान को। इसके बाद है अब सोचा कैसे जाए, इसके लिए हमने मुख्तलिफ तरीक़ों पे बात की, और उसमें एक बात की कि सोचने के लिए बात करना ज़रूरी है। अगर हम बात नहीं करेंगे तो सोच की नर्चरेंस नहीं होगी। यहाँ मुझे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आए और मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहुत सारे लोगों ने सोचा और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे कि सोचना। एक सवाल जो बड़ा अहम था कि क्या सोचना बदतमीजी है, क्योंकि हमारे यहाँ सोचना, बात करना बदतमीजी है, माफ़ कीजिएगा, कि क्या बात करना बदतमीजी है, क्योंकि हमारे यहाँ बात करना शायद उतना इनकरेज नहीं किया जाता। और दूसरा भी एक सवाल आया कि हमें कैसे अंदाज़ा हो कि हम सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं, ये हम कैसे अंदाज़ा लगा पाएं, और अगर हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये सही है या गलत है तो फिर इसे कैसे बचा जाए। तो आज मैं पहले सवाल की तरफ आऊँगा कि इस व्लॉग में कोशिश करूँगा इस सवाल का जवाब देने की कि बात करना क्या बदतमीज़ी है और इसका सोच से क्या ताल्लुक है। तो आज का वीलॉग मैं चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स इसको लाजमी देखें, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जो आज हम इस चीज़ पर टॉक करने जा रहे हैं। बात करना बदतमीज़ी है या नहीं है, अब ये है इम्पोर्टेंट बात। सोचना ज़रूरी है, अब सोचने के लिए सवाल तो उठाना पड़ेगा और सवाल उठाने के लिए बात करनी पड़ेगी। अब ये तीन देखें, तीन ब्लॉक्स हैं, सोचना, सवाल करना, और सवाल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बात करना। बात करना क्या है? बिहेवियर। बात करना क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। बात करना बदतमीजी नहीं है, बात करना है बिहेवियर का नाम, कैसे बात की जाए, किस तरीके से गुफ्तगू की जाए, किस तरीके से हम कलाम हुआ जाए, किस तरीके से हमातन गोश हुआ जाए। अब यहां है ये मसला। अब आप इसको दूसरी वे में चले जाएं। आपने एक लफ्ज सुना होगा सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जो मैंने कहा कि ज़हनी सेहत से इसका बड़ा डायरेक्ट ताल्लुक है। तो सोशल एंग्जाइटी में क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सोशल एंग्जाइटी के जो मरीज़ के लोग होते हैं, मर्ज के लोग होते हैं, या जिनमें सोशल एंग्जाइटी होती है, वो आँख से आँख मिलाकर बात नहीं कर सकते। सबसे बड़ा अगर एक पॉइंट में मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कि दे आर अनेबल टू मेक द आई कॉन्टैक्ट। दूसरा, बात नहीं कर पाते, हकलाना शुरू हो जाते हैं,
ये स्टैमरिंग नहीं है, इस बल्कि इससे मिलती जुलती ज़रूर है। आप खुद अपने आप को उस कैफियत में लेके जाएं, कितनी दफ़ा आपकी आवाज़ बंद हो जाती होगी बात करते हुए, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, एक अजीब सी कैफियत होना शुरू हो जाती है। और फिर एंग्जाइटी का जुल्म ये होता है कि जब ये आती है तो फिर सोच ख़त्म हो जाती है। आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में, मैं अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ, खुद एतमादी की कमी। खुद एतमादी क्या है कि क्या मैं चार लोगों में बैठकर बात कर सकता हूँ, क्या मैं महफिल में बात कर सकता हूँ, क्या मैं क्लास में बात कर सकता हूँ, क्या मैं टीचर के आगे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ये है वो बुनियादी एलिमेंट्स या अनासिर जिसके ऊपर सोशल एंग्जाइटी खड़ी है। अब होता यह है कि सोशल एंग्जाइटी आई और उसने दिमाग को कैमोफ्लॉज कर लिया और सोच समझ ख़त्म हो गई, और जब टीचर कहता है सवाल करो तो सवाल जहन में ही नहीं आता, क्योंकि जहन में तो एंग्जाइटी आ गई है भाई, अब सवाल कैसे जहन में आए। अब ये है इंपॉर्टेंट फैक्टर समझने के लिए कि सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में या सोशल एंग्जाइटी के ट्रेट्स के अंदर या सोशल एंग्जाइटी की कैफियत के अंदर सोचना समझना खत्म हो जाता है। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट से अक्सर कहता हूँ कि लोग इसलिए फेल नहीं होते हैं कि उन्होंने कम पढ़ा या ज़्यादा फेल पढ़ा है, फेल होने में उनका बुनियादी जो किरदार है वो ये है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती हैं, वो बयान नहीं कर पाते हैं जो उन्होंने सीखा है, जो उन्हें बयान नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आपने बयान करना है, जो मैंने सीखा है वो जब तक मैं बता नहीं पाऊँगा तो मैं एक सक्सेसफुल कैसे होऊंगा, तो मुझे बताना तो ज़रूरी है। इसलिए रिटर्न देना आसान लग रहा होता है उन्हें, वायवा देना मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि रिटर्न में तो रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई ना, लेकिन बताना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये है यहाँ का मसला। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें, जो हमारे तलबा स्टूडेंट्स तलबा तलबा देख रहे कि अंदाज़ा लगा लें टीचर्स पेरेंट्स कि लोग इसलिए फेल हो रहे हैं या मार्क्स कम लेते हैं दूसरों से कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि वो बता नहीं पा रहे। अब इसके लिए करना क्या चाहिए, कोई इलाज होगा ना इसका भी, उसके लिए सोच को एनकरेज करना होगा। सोचें, सवाल करें, आओ डिस्कस करते हैं, कम एंड डिस्कस, आए इस पे बात करते हैं, क्या हो जाएगा, द वर्स्ट आउटकम क्या है, मैं बकवास कर लूँगा, गलत बात कर दूंगा तो क्या होगा। तो फियरलेस होना इसको कहते हैं, कि फियरलेस होने के लिए आपको बात हमें बात करना, और बात करने का फायदा ये होगा कि जो आप सोच रहे हैं वो बयान कर सकेंगे, और जो बयान कर रहे हैं उस पर सोच सकेंगे। तो आप ये नाजुक सा मरहला समझें, सोचना और बयान करना, बयान करना और सोचना, तो ये दोनों देखें किस तरह इंटरलिंक कर रहे हैं। तो जो जो लोग या जो वालिदैन, जो असातिज़ा, जो उलमा, जो पॉलिसी मेकर्स एक ऐसी सोसाइटी जनरेट करते हैं जो बात कर सके, कलाम कर सके, हम कलाम हो सके, वो कौमें सोचना भी शुरू कर देती हैं, वो फिक्र भी करती हैं, वो फक्र भी करती हैं, वो तहकीक भी करती हैं, क्योंकि जो वो तहकीक करती हैं वो बयान कर सकती हैं। वो तहकीक ही क्या जो मैं बयान ना कर सकूं, आप समझ रहे हैं इस बात को। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है सोचना। ये मैं एक पहलू की बात कर रहा हूँ कि जिसे बदतमीज़ी कहा जाता है। तो अब हम सोसाइटी की तरफ, अब हमें अच्छा लगता है वो स्टूडेंट जो बात ना कर सके,
ये अलमिया है। हम उस स्टूडेंट को एनकरेज कर रहे हैं, बात नहीं करनी है। बात नहीं करनी मतलब सोचना नहीं है, सोचने का मतलब फिक्र नहीं करनी है, तहकीक नहीं करनी है। ये मैंने एक किताब की रिसाला दे दी है, इसको रट्टा मार के आ जाओ और रट्टा सुना दो। वाह 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 वाह, टू टू दी प्रिंसिपल से स्टार्ट हुआ, योर्स ओबीडियंटली करके फुल स्टॉप लगा के ख़त्म हो गई कहानी। मैं कहा वाह क्या रट्टा मारा है। ये है इस वक्त के करिकुलम का प्रॉब्लम। अब हम इसको बदलने के लिए सोच में है, वो आकर आपसे पूछे, सवाल करे कि ये मैंने पढ़ा है, अगर हम इसको यूं कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? अगर हम इसको यूं बयान कर दें तो ये ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, अच्छा नहीं है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। लेकिन डिस्कशन एंड डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली नस्ल जो है या हमारे मौजूदा जो स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकें नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली, तो हमें इनक्रेज करना पड़ेगा थिंकिंग को। थिंकिंग को क्यों इनकरेज करना पड़ेगा? क्योंकि जो इनकरेज होंगे, सोचेंगे तो सवाल करेंगे, सवाल करेंगे तो बोल पाएंगे, और जब बोल पाएंगे तो फिर सोच सकेंगे, और फिर जो सोच सकेंगे वो बयान कर सकेंगे, और जब वो बयान करेंगे तो क्रिटिकल डायलॉग होगा, और फिर एक नई दुनिया या बात होगी। रिसर्च हम क्यों नहीं करते? क्योंकि रिसर्च के लिए सोचना पड़ता है, सोचने के लिए बयान करना पड़ता है, बयान करके फिर तहकीक करनी पड़ती है, और फिर बयान करना पड़ता है, लिखना भी पड़ता है, बयान भी करना पड़ता है। अब ये एक साइकिल है, जब ये साइकिल चल ही नहीं रहा तो फिर मसला है। मुझे ए से जी तक बता दो कहां से कहां रट्टा मारना है, मैं रट्टा मार के आ जाऊं। ये नॉलेज नहीं है, इसको दुनिया प्लेजरिज्म कहती है, इसको नकल कहती है। खुदा के लिए नकल क्रिएट ना करें, अकल लाएं, सोचने समझने की सलाहियतों को उजागर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस हमने एक टॉपिक की एक पहलू पर सिर्फ नज़र डाली है, तो अगले पे हम इंशाल्लाह मजीद सोच के मुख्तलिफ डायमेंशंस पे इसी तरह करते रहेंगे। इसके लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, एक चीज चाहिए, इनक्रेजमेंट, और वो मुझे उम्मीद है कि आप इस व्लॉग को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स देंगे, ताकि मेरी भी जो कुछ जैसे जो कम अकल हैं उनको कुछ सीखने का मौका मिल सके आप लोगों से।